आज हमारे साथ बात करने के लिए यूपी शिवसेना प्रमुख अनिल सिंह जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में शिवसेना की क्या रणनीति रहेगी। अनिल सिंह जी, ये बताइए, लोकसभा चुनाव का बिगुल लगभग बज चुका है, आने वाले चुनाव में आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी, आप लोग कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम प्रयास चुनाव लड़ते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमारा उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन नहीं है, तो स्वतंत्र रूप से हम सारी सीटों पर अपनी तैयारी में हैं और उसी योजना के तहत हम सोनभद्र जनपद में भी चुनाव लड़ाएंगे। यहाँ आए हुए हैं, अभी मीटिंग होनी है। भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार महाराष्ट्र में हम लोगों का समर्थन है, उसी तरह को सीटें हम यहाँ चाहते हैं और हमने राष्ट्रीय नेतृत्व को लिखा है कि यहाँ कम से कम 10 सीटें, वो सीटें जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती वो हमारे लिए छोड़े। और इसमें अयोध्या सहित कई और सीटें हैं जिसपे हिंदुत्व का मसला है, तो हम लोग जो हमारी विचारधारा है हिंदुत्व उस पर हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सीटें। और जिस प्रकार 2014 में भारी बहुमत के साथ में एनडीए घटक दल जीत कर आया, उसी तरह से हम लोग चाहते हैं 2019 में भी हम लोग अच्छी बहुमत से आएँ।